वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी टीचर एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023, जो कि आपका एग्जाम डेट है 24, 25, 26 और 27 अगस्त। आपने अगर फॉर्म भरा है और आप चाहते हैं कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कैसे तैयारी करें, आपके उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो है मेरे दोस्तों। तो अभी हम लोग एक बुक का रिव्यू करेंगे और इसके बारे में सारी चीज़ें बात करेंगे, इनके विषय सूची को देखेंगे और ये बुक कितना सफिशियंट है इसके बारे में आपको बताएंगे। और सीखना हम इसके बाद मैं ये आपसे ये वादा करता हूँ कि यह बुक मैं आपको एक महीना में रटा दूँगा। यानी आपके पास एग्ज़ाम अगर 24 अगस्त से स्टार्ट होता है तो आपके पास एक महीना से ज़्यादा समय है। आज अभी 11 जुलाई है तो फिर 11 अगस्त आएगा और फिर से उधर से 13 दिन, मतलब आपके पास लगभग डेढ़ महीने का समय है। आप उसे डेढ़ महीने को 40 दिन ही रखिए, आपके पास 40 दिन समय है। मैं आपको 30 दिन में ही ये सारा जो बुक मैं अभी आपको रिव्यू दे रहा हूँ, इस बुक को आपको रटा दूँगा मात्र 30 दिन में। एक महीना में आपको पूरा बुक में रटा दूँगा। और आप याद रखेंगे, कहा जाता है, किसी बहुत बड़े विद्वान और सफल इंसान ने कहा है और ये बिल्कुल सटीक है, एग्ज़ाम के समय 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ना। 10 बुक को पढ़ने से अच्छा क्या है? एक बुक को 10 बार पढ़ना। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप सिर्फ जितना पढ़े पढ़े, अब सिर्फ एक ही बुक को आप रट जाइए, एक ही बुक को रट जाइए, उनके पेज वाइज कुछ भी आपसे छूटना नहीं चाहिए, आप निश्चय ही एग्ज़ाम में सफल होंगे। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, पूरे सिलेबस ओरिएंटेड पुस्तक है, पूरा सिलेबस को कह सकते हैं कैसे इसमें शामिल किया गया, अच्छे से टू द पॉइंट लिखा गया है। आप इसे ज़रूर एक बार पढ़ें और आप इसमें अगर वैसे आप जो अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते हैं, अदर किताब से पढ़ते तो पढ़ें, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन मेरे साथ जुड़कर आप इसे पर डे 10 से 15 मिनट समय दें, मैं आपको एक महीना के अंदर पूरा बुक को रटा दूंगा। आप बस कहीं पर भी चल रहे हैं, मेरे वीडियो को देखें, मेरे इस क्लासेस को देखें, ये सारे जो क्लासेस होंगे एक ही बुक से होंगे, एक ही बुक, और इसी बुक को मैं आपको रटाने का प्रयास करूंगा और इतना बार आपको पढ़ाऊंगा कि आपका सिर्फ जुबान पे आ जाएगी सारे जो तथ्य इस पुस्तक के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बुक के रिव्यू के बारे में जानेंगे और आप जो अपना पढ़ते हैं पढ़ेंगे ही, और हाँ, इस बुक को पूरी तरह रटना ही है आपको। बेसिक बुक है और सिलेबस ओरिएंटेड लिखा गया है, और अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं, सिर्फ इस बुक को ही मेरे साथ मिलकर रट के आप चले जाएँ, एग्ज़ाम में आप सफल होंगे। और अगर आप A to Z हर चीज़ याद रखें, निश्चय ही सफल होंगे, ये वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बुक का रिव्यू। और सबसे पहले बता दूं कि मैं जिस बुक का रिव्यू कर रहा हूं, उस बुक के कंपनी से ना ही किसी ऑथर से मुझे कोई कंसल्ट है, मैं अपना ओपिनियन रिव्यू दे रहा हूं। मैंने बुक को देखा है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल व्यू है, ये किसी के कह सकते हैं कि बताने पर या किसी के कहने पर या किसी तरह का लालच में मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स के भलाई में कर रहा हूँ, क्योंकि समय बस एक ही महीना है आपके पास और पढ़ना बहुत है तो लोग भटक जाते हैं, उसी में अगर मुझे निचोड़ मिला है तो मैं चाहा कि आप सभी के भी शेयर करूँ। देखिए, ये बुक है, आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, तो मार्केट में आप अलग से पढ़ने बैठेंगे, इस बुक को आपको समय लगेगा। तो मेरा कहना है कि मेरे पास चैप्टर वाइज इस बुक को मैं आप सभी को समझाऊँगा, आप बस उसे रटते चला, एक महीना में कम्प्लीट कर लें। स्पार्क का बुक है ये, स्पार्क का बुक है, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC अध्यापक टीचर भर्ती के लिए है। Paper 2 जो कि सामान्य ज्ञान है आपका, Paper 2, Paper 1 तो लैंग्वेज है जो कि क्वालिफाइंग है, उसका करना नहीं है, वो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि Paper 1 में 70 जो आपका 25 रहेगा इंग्लिश, बाद बाकी 75 प्रश्न रहेंगे हिंदी के, तो हिंदी के प्रश्न पैराग्राफ व्याकरण बहुत कुछ रहेंगे, और इंग्लिश में 25 रहेगा, तो मिला जुला के लोग 30 नंबर तो लाना ही, आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको Paper 1 के अलग से तैयारी नहीं करें, मेनली Paper 2 है, तो Paper 2 के लिए मैं ये बुक आप सभी को सजेस्ट करता हूँ। Paper 2 150 अंक का सामान्य अध्ययन है ना, ये बुक है आपका, परीक्षा का पैटर्न यहाँ पे ऊपर में दे दिया गया है, स्पार्क पब्लिकेशन पटना की ये बुक है। तो आप इस बुक को अगर नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बिना बुक लिए ही पूरा बुक के सारे कॉन्टेंट को आपको रटा दूंगा, आपके मुँह में रहेगा सारा कॉन्टेंट। तो चलिए इस बुक का रिव्यू करते हैं, पहला तो हमने ऊपर देख लिया, अभी देखिए विषय सूची दी गई है, विषय सूची में सभी चीज़ों को शामिल किया, जैसा जैसा कि आप देखेंगे, जैसा जैसा वर्ड
बीपीएससी ने अपने सिलेबस में लिखा है टीचर के लिए, सेम वही सारी चीज़ें देखिए, समान विज्ञान, समान जागरूकता, या आप सिलेबस को देखेंगे टीचर वाले तो ऐसा ही सेंटेंस मिलेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, उनसे रिलेटेड सभी चीज़ें यहाँ पे आपको सभी कंटेंट यहाँ मिल जाएंगे। भारत में प्रथम है ना, विभिन्न वर्गों में भारतीय महिलाओं में प्रथम, भारत में सबसे बड़ा सबसे छोटा, विश्व में सबसे बड़ा छोटा, विश्व में प्रथम महिला, विश्व में प्रथम, विभिन्न वर्गों में प्रमुख वचन और नारे, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, ऐसे ही यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें डाल दी गई हैं। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक देखिए आपको उन सारे टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें प्रमुख देशों के सर्वोच्च सम्मान तक आ जाते हैं। फिर आगे देखिए भारत की पंचवर्षीय योजना से लेकर, भारत की पंचवर्षीय योजना से लेकर यहाँ पे देखिए लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पवने है ना, पवन, नदी, मरुस्थल, और यहाँ पर लास्ट में देखिए भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, कुछ रोचक तत्व, इन सभी चीज़ों को शामिल किया जीएस के रूप में, समान अध्ययन के रूप में। इसी में समान विज्ञान को जोड़ा गया है, समान विज्ञान भी हमारा सिलेबस में, देखिए यहाँ से समान विज्ञान स्टार्ट है। तो समान विज्ञान के लिए क्या क्या दिया है, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, प्रमुख क्षेत्र एवं उनके जनक, प्रमुख उपकरण उनके कार्य, भौतिक राशियों के मात्रक, ये सारा जो प्रश्न आता है उन सभी को शामिल किया गया है। इसी प्रकार यहाँ उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं प्रमुख रोग, उसके प्रभावित अंग अंत में हो गया। इसके बाद आगे बढ़िए कंप्यूटर तकनीक की जांच, कंप्यूटर को भी ऐड किया गया। देखिए कंप्यूटर तकनीक की 5 पीढ़ियाँ है ना, चिकित्सा संबंधी खोज एवं आविष्कार, रोग बचाव, टीके, मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य, सभी चीज़ें लगभग साइंस से लेकर आर्ट्स जो भी आपका सिलेबस में है सभी चीज़ों को देखिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, सभी चीज़ों को शामिल किया। देखिए प्राथमिक गणित, गणित में जो जो सिलेबस है उन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया है। गणित में मैं कहना चाहूँगा आपका जो यहाँ पे दिया है बस इतना ही मेहनत आपको नहीं करना, आपको बस प्रोसेस को समझ लेना है। यहाँ पे जो 4-5 सवाल एक चैप्टर में दिए रहते हैं, जैसे संख्या पद्धति में दिए हैं, भिन्न में दिए हैं, सरलीकरण में दिए हैं, ऐसा नहीं कि इसमें जो सवाल है वही सवाल आएंगे, ऐसा नहीं, आपको बनाने का तरीका समझना है। इन सारे चैप्टर्स के कुछ सवाल जो जितने टाइप्स के होते हैं उतने टाइप्स के सवाल को डाला है इसमें, और उससे अलग टाइप के सवाल नहीं बनते हैं इन सारे चैप्टर्स में जितने टाइप्स को यहाँ पर दिया गया है। आपको बस उस टाइप्स को समझ लेना है और उससे रिलेटेड और भी मैथ्स को आपको सॉल्व करते रहना, चाहे मैथ कहीं से भी मिले। तो मैथ में देखिए आपको आयतन, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, लास्ट हो गया त्रिकोणमिति तक। इसके अलावा आगे बढ़ते देखिए रीजनिंग है ना, रीजनिंग में भाषिक परीक्षण, वर्बल टेस्ट भी है, नॉन वर्बल भी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए रीजनिंग में रक्त संबंध, यहाँ पर देखिए रक्त संबंध है, पहेली, पजल, कैलेंडर, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड, वर्णमाला है ना, वेन डायग्राम, गणित संक्रियाएँ, और दूसरा है नॉन वर्बल से रिलेटेड आपको ये सारे चैप्टर्स दिए गए। दर्पण, प्रतिबिंब, समान आकृति, अधूरे वर्ग को पूरा करना, आकृति को पूरा करना, वर्गीकरण, सादृश्यता, समरूपता, श्रृंखला या श्रेणीक्रम, इन मतलब पूरे सिलेबस को इन्होंने शामिल किया है, टू द पॉइंट आपके लिए बनाया गया है। और देखिए यहाँ पर परीक्षा का पैटर्न दिया गया है, परीक्षा का पैटर्न तो आपको पता ही होगा, पेपर वन होगा भाषा का, ये क्या है क्वालिफाइंग, बस आपको यहाँ पे 30 नंबर लाना है और आपको क्वालिफाई हो जाना है, ज़्यादा इसमें विद्वान बनना नहीं है पेपर वन में, इसलिए पेपर वन की तैयारी आपको करना नहीं है। आप अगर सिंपल सा मैट्रिक थर्ड डिवीज़न भी है ना, मैट्रिक अगर आप थर्ड डिवीज़न है तो भी यहाँ पे आप 30% ले आएंगे, प्रश्नों का स्तर ऐसा रहेगा क्योंकि इसे क्वालिफाइंग बनाया गया है, यहाँ पे किसी को फेल नहीं करना, ये मकसद बिल्कुल नहीं है, इसीलिए आपको क्वालिफाई करवाया जाएगा। आपको समान हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, यह आपका हो जाएगा, दिक्कत नहीं। आपको तैयारी करना पेपर टू का, समान अध्ययन का 150 अंक का होगा, 2 घंटे समय मिलेंगे और कुल अंक भी 150 रहेगा, प्रश्न 150, अंक भी 150, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, इसीलिए बड़े ही सावधानी से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, नहीं तो खेला बिगड़ जाएगा। आप अगर सबको सॉल्व करेंगे तो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं उतना ही प्रश्नों को सॉल्व कीजिए ना, जैसे मैंने आपको कहा कि सिलेबस को जब आप देखेंगे सेम चीज़ें मिलेगी, समाज अभी मैंने दिखाया सामाजिक विज्ञान था ऊपर में है ना, समान जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण था ना, समान विज्ञान, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षा आदि, इन सारे चैप्टर्स को आप देखिए वहाँ पे शामिल किया गया। आप देखें सामाजिक विज्ञान, समान जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे आप देखिए उन सभी चीज़ों को डाला गया है जैसा वहाँ पर है हूबहू, यहाँ पे चीज़ें देखिए समान विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान, समान जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, तो बिल्कुल सिलेबस के ओरिएंटेड ये बुक लिखा गया है। इधर उधर का कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा
जो आपके लिए ज़रूरत की चीज़ है उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और आप चाहते हैं कि इस बुक से तैयारी करें और पूरी तरह कमांड बनाएं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको एक महीने के अंदर इस सारे बुक को रटवा दूंगा, आपके जीवन पे ये सारे पन्ने रहेंगे। और मैं पुनः कहूंगा, अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा आपने कर ली है, अब आपको उसको कॉन्सलेट करने का समय आ गया, उसको संग्रहित करने का समय आ गया है। और एक थ्योरी आप याद रखेंगे, 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार आप पढ़ लें। इसी बुक को आप 10 बार पढ़ लें, आप निश्चित ही सफल होंगे। आपको ज्ञान के सागर में गोता नहीं लगाना है, बल्कि एग्जाम को क्रैक करके इस पार से उस पार चले जाना है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक रिव्यू। आगे फिर जो आगे क्लासेस होगी BPSC टीचर एग्जाम से रिलेटेड, उसमें सीधे इस बुक पे आएंगे, और इस बुक के चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को आप सभी के बीच पढ़ाने का प्रयास करूँगा और हटाने का प्रयास करूँगा। तो तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आप चाहते हैं कि आप भी तैयारी करें BPSC टीचर एग्ज़ाम की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री में, जीरो फीस में आप तैयारी कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू ऑल।